कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में आज एक बार फिर सभी छात्रों छात्राओं का स्वागत है। आज हम कुछ इस पाठ के आंकिक प्रश्न देखते हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको लेते हैं। देखिए, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किसी तार पर 2 किलोग्राम लटकाने पर उसकी लंबाई में 1% की वृद्धि होती है, तार की रेखीय विकृति की गणना कीजिए। तो देखिए, रेखीय विकृति क्या होती है, डेल्टा एल बटे एल, क्षेत्रीय होती डेल्टा ए बटे ए। तो यहाँ पर रेखीय निकालनी है हमें चूंकि, तो लंबाई में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 1% क्या है, डेल्टा एल बटे एल गुणा 100 बराबर 1। तो डेल्टा एल बटे एल बराबर 1/100 नीचे आ जाएगा इसके, तो डेल्टा एल बटे एल बराबर होगा 0.01। अब सवाल नंबर 2 है, 1.2 सेमी त्रिज्या का स्टील का एक केबल भार उठाने के लिए प्रयोग में किया लाया जाता है। यदि स्टील के लिए अधिकतम प्रतिबल 10^8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो उस अधिकतम भार की गणना कीजिए जिसे इस केबल द्वारा उठाया जा सकता है। तो देखिए, मान लेंगे माना केबल द्वारा m किलोग्राम भार उठाया जा सकता है, तो प्रतिबल कितना हो गया, प्रतिबल इज इक्वल टू हो गया बल बटे क्षेत्रफल। अब बल क्या है, mg, और क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। जो केबल है उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर, 10^8 मीटर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। एम का मान निकालना हमें, तो तिरछी गुणा कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर गुणा 10^8 बटे जी। इसमें हमने मान रख दिया 3.14 और गुणा 1.5 गुणा 10^-2, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है ये, इसको मीटर बना लिया। और ऐसे 1.5 गुणा 10^-2, दो बार था स्क्वायर लगा हुआ था, इसने दो बार लिख दिया, और गुणा 10^8 नीचे लिख दिया 9.8 जी का मान दिया हुआ है इसमें। अब देखिए, दशमलव लड़ाने के लिए हमने 3 जीरो डाली है, 1, 2, 3, 4 स्थान पर दशमलव हो गई, सब दशमलव उड़ा दी हमने, क्या आया 314 × 15 × 15 × 10^8 − 3 − 2 − 2, दो दो तो ये वाली हो गई, और तीन नीचे की, 3 जीरो की घाते हमने ऊपर पहुँचा दी। अब यहाँ बचे 98 बचे, अब इसे 2 से काट दिया, 49 बार और 157 बार, 157 × 15 × 15 / 49 × 10^-1। जब इसे हम हल करते हैं तो ये 7.2 × 10^3 किलोग्राम भार आ जाता है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए, किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर की गहराई पर स्थित किसी तैराक का दाब ज्ञात कीजिए। देखिए, एच की गहराई कितनी, एच कितनी, झील 10, अच्छा रो कितना, घनत्व इसका 10^3 किलोग्राम प्रति घन मीटर, और जी बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पी ए जो वायु दाब है वह 1.01 × 10^5 पास्कल। अब तैराक पर जो दाब होगा डबल होगा, एक तो वायु का भी होगा और उसका पानी का भी होगा, गहराई में है तो दोनों को जोड़कर निकाल लेंगे, ये पानी का दाब हो गया जल का और ये वायु का दाब हो गया। पानी का दाब क्या होगा, एच रो जी, और जल वायु का दाब हमें दिया हुआ, लिख दिया ऐसी, इसको हमने देखिए 10 × 10^3 × 10, ये 10^5 हो गई प्लस 1.01 × 10^5। अब जब इसको हल करते हैं तो 2.01 × 10^5 का मान निकाल लेंगे, तो एक यहाँ बचेगा 1.01 ही है, तो ये हो गया 2.01 × 10^5 पास्कल। एक क्षैतिज पाइप में जल के प्रवाह का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, जल का शीर्ष वेग ज्ञात कीजिए, वेग शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो वेग शीर्ष का सूत्र क्या था, V² / 2G, और नॉली की प्रमेय में था ये, तो इसमें मान रख देंगे, देखिए वेग शीर्ष इजिकल टू V² / 2G, 10 × 10 / 2 × 10, जी का मान भी 10 दिया हुआ है, तो एक 10 से 10 कट जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। इसके नीचे है, एक क्षैतिज पाइप में जल का वेग शीर्ष, ये इसका उल्टा सवाल है, 1.25 मीटर जल का प्रवाह वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग शीर्ष लिख दिया, वेग शीर्ष V² / 2G, 1.25 × 10 = V² / 2 × 10, तिरछी गुणा कर देंगे, V² बराबर हो गया 1.25 × 2 × 10, तो ये गुणा करके आएगा 25.0 आ जाएगा, 25 लिख दिया हमने, तो V² बराबर होगा 25 और V बराबर होगा 5 मीटर प्रति सेकंड।
कुछ और भी प्रश्न है जो इसमें दिए हुए हैं आप करें उसको। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।